नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगस्त महीने में भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का वेवर मिलेगा? क्या होगी जीएसटी आर 1 और 3B की कंडीशनल डेट और ड्यू डेट? अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगस्त महीने में जीएसटी आर 1 और 3B की ड्यू डेट्स क्या है और कब तक आप उसे फाइल कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएसटी आर 1 फाइलिंग ड्यू डेट्स इन अगस्त 2020। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अब वो जो वेवर थे, कंडीशनल डेट थे, उसके बारे में आप भूल जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जून महीने तक ही आपको वेवर्स दिए हैं। जुलाई महीने का जो टैक्स पीरियड है उसके लिए क्या वेवर्स आपको मिले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जीएसटी आर 1 फाइलिंग की ड्यू डेट्स के बारे में पहले जानते हैं। तो टैक्स पीरियड जून 2020 का ड्यू डेट 11 जुलाई 2020 था, लेकिन आपके लिए शुक्र मानिए कि कंडीशनल डेट 5 अगस्त 2020 तक दी गई है। और अगर आप 5 अगस्त तक ये जीएसटी आर 1 फाइल करते हो जून महीने का, तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन 5 अगस्त के बाद आपको जरूर लेट फीस लगना शुरू हो जाएगा। तो 5 अगस्त तक जून महीने का अगर आपका जीएसटी आर 1 फाइलिंग रह चुका है तो उसे फाइल कर दीजिएगा। अब जानते हैं जुलाई महीने के लिए आपके लिए ड्यू डेट 11 अगस्त 2020 है और गवर्नमेंट ने कोई भी कंडीशनल डेट और कोई भी लेट फीस डेट का जिक्र नहीं किया है और नॉट एप्लीकेबल है आपके लिए, यानी कि आपको जुलाई महीने का जो टैक्स पीरियड है उसकी जीएसटी आर 1 फाइलिंग 11 अगस्त को करनी ही होगी। तो ये डेट भूलिए मत। और अगर आपका क्वार्टरली बेसिस फाइलिंग है जीएसटी आर 1, तो अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 का जो क्वार्टर है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 थी, लेकिन वो अगर आपने मिस कर दी है या तो मिस कर देंगे, तो आप कंडीशनल ड्यू डेट 3 अगस्त तक उसे फाइल कर सकते हो, लेकिन 3 अगस्त के बाद अब आपको कोई वेवर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ड्यू डेट्स जीएसटी आर 1 के जो 3 अगस्त, 5 अगस्त और 11 अगस्त के जो डेट है वो भूलिएगा मत। और दोस्तों, अगर आपको फरवरी से लेकर जून महीने तक के जीएसटी आर 1 रिटर्न फाइलिंग के वेवर्स के बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पर सीधा आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जीएसटी आर 3B फाइलिंग ड्यू डेट फॉर टर्नओवर अबो ₹5 करोड़। तो दोस्तों, टैक्स पीरियड जुलाई 2020 की ड्यू डेट 20 अगस्त 2020 है आपके लिए और कंडीशनल डेट कोई रिलैक्सेशन नहीं है और लेट फीस भी उसका भी कोई रिलैक्सेशन आपको दिया नहीं है। यानी कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स पीरियड जुलाई के लिए आपको फाइल करना है आपका जीएसटी आर 3B 20 अगस्त तक। और अगस्त महीने के लिए भी गवर्नमेंट ने पहले ही बता के रखा है कि 20 सितंबर आपके लिए ड्यू डेट होगी और कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है जुलाई महीने से। और अगर दोस्तों आपको पता करना है कि जीएसटी आर 3B लेट फीस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आई बटन पर सीधा क्लिक कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंत में भी मैंने आपको लिंक दिया है, तो आप उस पर भी जाके क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जीएसटी आर 3B फाइलिंग ड्यू डेट फॉर टर्नओवर अप टू 5 करोड़। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप ग्रुप 1 में आते हो, ग्रुप 1 यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज आती है और स्टेट्स आते हैं ग्रुप 1 में जो गवर्नमेंट ने दी है, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सो एंड सो उनके लिए क्या ड्यू डेट है चले जानते हैं। तो टैक्स पीरियड जुलाई 2020 के लिए ड्यू डेट 22 अगस्त 2020 है और कंडीशनल डेट आपको दी है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो 27 सितंबर तक आप उसको फाइल कर सकते हो। और लेट फीस भी आपको 27 सितंबर अगर तक फाइल करते हो तो लेट फीस नहीं लगेगी, उसके बाद आपको जरूर लेट फीस लगेगी, यानी कि यहाँ पर आपको वेवर मिलने वाला है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है और टैक्स पीरियड जुलाई 2020 का कंडीशनल ड्यू डेट आपके लिए 27 सितंबर 2020 रहेगा। और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगस्त के लिए भी क्या दिया है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 22 सितंबर तक ड्यू डेट है, लेकिन आप कंडीशनल डेट आपको दी है 1 अक्टूबर तक, तो आप उसको भी 1 अक्टूबर तक फाइल करोगे। तो दोस्तों, ये ड्यू डेट्स और कंडीशनल डेट आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जुलाई 2020 का जो भी टैक्स पीरियड है उसका ड्यू डेट आप 22 अगस्त तक भर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ग्रुप 2 के लिए, जी हाँ, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए जीएसटी 3B क्या फाइलिंग ड्यू डेट है जानते हैं। तो टैक्स पीरियड जुलाई 2020 के लिए उनको ड्यू डेट है 24 अगस्त 2020 और कंडीशनल डेट आपको दी गई है 29 सितंबर 2020, यानी 29 सितंबर तक आप उसको फाइल कर सकते हो विदाउट एनी लेट फीस।
तो उसके बाद आपको लेट फीस तो लगेगी ही। तो यहाँ पर भी आपको वेवर मिला है। ग्रुप टू में कौन आते हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और बाकी यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वेवर दिया गया है। अब जानते हैं कि अगस्त के लिए क्या बोला है गवर्नमेंट ने। तो अगस्त 2020 के टैक्स पीरियड के लिए ड्यू डेट 24 सितंबर 2020 है, लेकिन कंडीशनल डेट 3 अक्टूबर 2020 तक है। तो दोस्तों ये ड्यू डेट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थे GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइलिंग के ड्यू डेट्स इन अगस्त 2020। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके पास लेकर आते हैं नए नए वीडियोस। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।